समाजसेवी कांग्रेस नेता प्रेम सिंह भाटी और सरई नगर परिषद के अध्यक्ष अनुराधा सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। सिंगरौली भाजपा अध्यक्ष राम सुमरिन गुप्ता व देवसर विधायक राजेंद्र मेशराम के हाथों इन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं सिंगरौली जिले के सरई नगर परिषद के पार्षद और कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रेम सिंह भाटी, सरई नगर परिषद की अध्यक्ष अनुराधा सिंह, पार्षद राम सजीवन बंसल के साथ भाजपा की सदस्यता ली। अनुराधा सिंह गोंडवाना गठबंधन पार्टी से अनुराधा सिंह गोंडवाना गठबंधन पार्टी से सरई नगर परिषद में निर्वाचित हुई थी। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद प्रेम सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है, गाय पर बात करती है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात करती है, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की है। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो बात पहले थी वो अब नहीं रह गई। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी की पार्टी है जो हिंदुत्व के बारे में बात करती है, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करती है, गाय के बारे में बात करती है और जो अंतिम क्षण अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करती है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैंने आज तक किसी पार्टी को पोसा नहीं। मेरा काम रहा है जनता का काम करना, जनता की सेवा करना। मैं कांग्रेस में रहा हूं तो मैं कांग्रेस में लगन से काम किया। लगभग 25 साल मैं 7 साल विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 5 साल जिला महामंत्री रहा। मैंने कभी किसी को कोसा नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता जो गतिविधियां हैं वो इस समय पार्टी जनहित में नहीं है और ना ही हिंदुत्व के पक्ष में है और ना सनातन धर्म के पक्ष में है। इनकी जहां कोई बात आती है, यहां जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो हमेशा दूसरे तरफ की बात करता है जी। तो मैं अपनी मानसिकता, क्योंकि हमारी मानसिकता कट्टर हिंदुवादी मानसिकता है और मैं हमेशा सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, हमारा सनातन धर्म का वो करता हूँ, इसलिए मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग देखे और भाजपा में ज्वाइन की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।